اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا اطاعت اسكنه ورزقته ومتمتعه فيها याओ काशिफ अल करबिया मुआजिर हुसैन अलैहि सलाम इक्शिफ करबी व कुरूब अल मोमिनीन बिहक्के अखी कल हुसैन या अबल फाजल अल अब्बास अलैहि सलातो व सलाम नदीलो का हैसो मतजा हतरिका भी वज़ैफो का हैसो कुंतो मिनल बिलाद याओ साहिब अल असरे व जमान अलैहि सलातो व सलाम आदरिकनी 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 वला तो लिखनी बेहक्के उम्मिक वाओ जद्दतिक सैयदतिन निसाइल आलमीन रब्बे सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम रब्बुल आलमीन बेहक्के मासूमीन वलीउल अमर अलैहि सलाम दे ज़ुहूर पाक ताजी मुहम्मद मुहम्मद मेरे इज़्ज़त वाले बिरादरे अज़ीज़ दी बिछाई सफ़े अज़ानों बारगाह इज़्ज़त में शर्फ़े कबूलियत अता अजरो सवाब उन्हां दे खानदान दे तमाम मरहूमीन हाजरीन दे मरहूमीन लावारिस मोमिनीन मरहूमीन और शहदाए मिल्लत दे नामे आमाल चुदा मरीजा नू अयूब करबला अलैहि सलाम दा सदका शिफाए कामला अता फरमा बे औलादा नू औलादे नरीना नाल आबाद फरमा बादशाह अल्लाह जो सिखते ने करबला मुवल्ला दी जियारत नसीब फरमा वक्त ज़हूर इमाम मारिफत हुज्जत दा शऊर अता फरमा बाद ज़हूर मालक दे कदम शहनशाह दे लश्कर च हुज्जत दी फौज शहादत नसीब फरमा दुआ कबूल हो जासी जेडे तशरीफ फरमाओ नाल आले नू गवाह बनाओ और सलवात बावा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन बावाजे बुलंद सलावात बेटा आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ये सामने वाले थोड़ा और आगे आ जाए फरहान भाई तुसी भी थोड़ा करीब आओ मेरा ख्याल है 18-19 साल की नौकरी अज मैं तलगंग पहली दफ़ा मजलिस से शुरू पढ़न लगा तो तवील सफ़र दरपेश है अजीज़ का हुक्म ही तामील हो गई भाई जान दे हुक्म की तामील हो गई थोड़ी ज़ियारत हो गई अल्लाह दा पाक रसूल बगैर वही दे बोलना तो दूर की बात है इरादा ना करन वाले मुहम्मद उस वक्त बल्कि हबीब शाह जी सरकारी अलामा अज़र हसन ज़ैदी आलल्लाहु मकामहू एक आयत का तर्जमा करते हैं जो अल्लाह कुरान इस नबी ने फरमाया वमाओ यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा मोहम्मद तब तक बोलते नहीं जब तक उसकी तरफ से वही ना आए जैदी साहब फरमा गए ने इदा सौखा माना बन दे मोहम्मद वही कहते हैं जो वही हो लो जी एक हिस्सा मुकम्मल हो गया ते मैं पढ़नी ने चार सत्रह और उन्होंने चार सत्रह के बाद नमाज रसूल दी पहली रकात तमाम क्योंकि बहू जी मेरे इल्म से पिछे माशाल्लाह एक जाकर की कतार आई तो अजीज़ तहसीन मौला चोखा रंग लावे जबान मजीद तासीर हो मैं उन्होंने भी मिन्नत की है जो टाइम तुसा पढ़ना है वह पढ़न के बाद मैं लंगर कर सा अगले इंशाल्लाह पौने त्रै घंटे सफ़र तो फिर मजलस तो थोड़ा दिल हो मैं मजलस सारी पढ़नी है तो वक्त थोड़ा पढ़ना पाक मुस्तफा अमरे तौहीद बगैर ना बोलने वाले रसूल आजम कायनात वाले आगाह फरमा रहे मुहम्मद जमाने नू दसा रहे मेरे हुसैन नू मेरे तू अलग ना समझना हुसैन मेरे तो जुदा कोई नहीं बल्कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से बड़ी मेहरबानी अब इदा पहला हिस्सा आसान है जी हदीस नू अगर दो हिस्सों च
तकसीम करके समझिए ना। इब्तदाई हिस्सा आसान है चूँकि आम फहम है, असूल है, कायनात का दस्तूर है बाबा जी। अल हुसैन मिन्नी, नबी फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे है। अल्लाह की कायनात ते हर नवासा अपने नाने चु है, मगर अगली गल मुस्तफा दी कि इस्तिस्ना है। एक कायनात जन्ना पहले होया ना पीर हबीब सरकार कयामत तक फिर होने, जेड़ा मुस्तफा फरमा रहे व अना मिनल हुसैन। अल्लाह की कायनात ते पहले नवासे हुसैन है जिन्हों का नाना पे आख दिन मैं अपने नवासे चू हाँ। अल्लाह अल अजमत लिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। तो अब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुनिया ते आमद कदों है? एडा औखा सवाल है, कदों तशरीफ लिया ने मालक? वह पीर हबीब शाह राही बोलना आई ना, कदों आए ने बेटा? तीन शाबान 4 हिजरी। अच्छा अच्छा, मुर्शद इस्तकबाल करो तो एक सलवात उची आवाज ना, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार फिर उची सलवात पढ़ो, सरदार बार गए मिंबर चाचा बाबू जी बिस्मिल्लाह। इज्जत मुआब आली मर्तबत जीवकार तारुफ मैं की कराने, अपना तारुफ आप। तकरीबन 35 साल दे लगभग दे अरसे तो हज़रत इमाम हुसैन दे मिंबर तो मेरे बादशाह हुसैन दे जिक्र दे खूबसूरत तारुफ। मातमी अजादार पहले मदा खान बाद सैयद उजाकरीन, मेरा माण मेरा फखर साड़ी छां जनाबे बाबा सैयद दुरियत इमरान शिराजी साहब। मौला इज्जतां बख्त नसीब करन, नस्लां दी खैर होवे, पुत्रां नाल आबाद रहन। उन्हां बाद इच खिताब करने ते हैरान ना हो जाया जे भाई कम पीर हबीब शाह दाई एलान बाबा हबीब शाह करिया भी बाद इच कौन पड़सी, अली रजा एलान क्यों कीता है? पहली तो गल मैं इन्हां दा एलान करा तो भी मेरा एजाज़ है, और दूसरा ये मेरे मज़हब की तहजीब है, ये तरबीयत मज़हब जाफरिया है। जाण वाले नूं दसना पौंदा है मेरे बाद किस आमना है। तो अब मजीद आओ बाकिर बेटे, मौला ए आजादारी वाली नेमत उजमा नस्लों नूं नसीब करन, बुजुर्गों के दर्जात बुलंद होवन ते तुहाडी खैर होवे। मैं तुहाडे आने तों पहले अर्ज किया भी अपनी जाकरी जिंदगी 20-21 साल इत लगन पढ़दा, मैं अज पहली दफ़ा पहले पिया पढ़दा तो वह भी मजबूरी है। मेरा सफ़र बहुत, मैं हूँ भी पूरे 3.25 घंटे गड्डी बजाइए बहु जी कोट छाँ चो 11 बजे छोड़े मिंबर 11:15 जी मैं दे आया सी, तो हूँ मैं जाना हैदराबाद। तो बहुत प्यारा बच्चा है, आजादारी नाल मुखलिस, उन्हां कोल हाजरी मेरे ते औजब आई। अल्लाह की कायनात च हर नाना आख सकता है जो मेरा नवासा मेरे चू है। वाहिद मुस्तफा इन जिन आखे मैं अपने नवासे चू हाँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी भाई इमरान इस दुनिया से रब नवाज भाई आमद है 3 शाबान 4 हिजरी, और बादशाह की शहादत है 10 मुहर्रम 61 हिजरी। इस रूए जमीन नू अपने पाक कदमा नाल जीनत बख्शी है नबी दे पुत्र 56 बरस। कितना जाहिरन असली वतन होवे, इत्थे ते मेहमान आए ने, दीन दा कोई कम करन आए ने, जेड़ा अल्लाह काम जिम्मे लाए करके असली वतन ते वापस टुर गए। और ए भी मेरी इख्तरा नहीं, हुज्जत दी हदीसे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना रन भाई सरदारी उत्थे आई, उत्थू इत्थे आए, इत्थे रहे 56 बरस। 56 बरस जेन च रवे ते अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन ते मजलस मुकम्मल। हाँ सैयदा के लाल ने वो काम कर दिया। इब्तदाए मजलिस से पाके हर कम अज कम हिलना चाहिए, हर जुबान हरकतें जानी चाहिए है। हाँ सैयदा के लाल ने वो काम कर दिया, घड़ियां कटेंगी दीन पयंबर की चैन से। मौला इत्थे रहने वीर जी 56 बरस, आओ अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन समझिए। हाँ सैयदा के लाल ने वो काम कर दिया, घड़ियां कटेंगी दीन पयंबर की चैन से, और 56 बरस रसूल हुसैन रहे थे रसूल से, 56 बरस हुसैन रहे थे रसूल से, अब हशर तक रसूल रहेंगे हुसैन से। हैदरी भाई बड़ी मेहरबानी, ये है मिन्नियत। आज अगर मस्जिद अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सजा है,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ। ਕਲਮਾ ਬਾਕੀ, ਦੀਨ ਬਾਕੀ, ਬਵਜਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ। ਮਹਿਜ਼ਿਕਾਦ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲਹਜ, ਜ਼ਿਲਹਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਨ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ 'ਤੇ, ਈਦ ਕਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਨਤ, ਏ ਵਾਜਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਿਬ ਏ, ਇੱਥੇ ਸੁਨਤ ਏ। ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈਜਾਨ ਹੈਵਾਨ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ, ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੀ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੁੰਬਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਬਈ ਉਹੀ ਦੁੰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਲਾ ਗੰਗ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੂੰ ਤਲਾ ਗੰਗ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾ ਦਵਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿੱਦਤ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਚੁੰਮਾਂ, ਬਿੱਦਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਬਾਉਦਰੀਅਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ 'ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਲਾਮਾ ਨਾਸਿਰ ਵਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਉਹਨੇ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੀ ਆ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਲਮਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਮਿੰਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਆ, ਵਾ ਅਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੋਣ 'ਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਜ਼ਰਬਾਂ, 10 ਮੁਹਰਮ 18 ਜੇਠ ਦੀ ਦੱਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਦਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਏ, ਇਜ਼ਾਜ਼ ਏ, ਇਹ ਸੈਯਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਜਲਸਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜ਼ਰੀਅਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੇਗਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੀਰ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਬੈਠਕ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਦੀਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਗਿਣੋ। ਸਾਡੇ ਟੁਰੇ ਹਨ 53 ਮਹਮਲ, ਵੱਲਨ ਸਿਰਫ 3, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ 50 ਮਹਮਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ 120 ਮਰੀਅਮ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਟੁਰੀ, ਅਤੇ 12 ਵਲੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਹਾਏ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਜਲਿਸ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 108 ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ 2 ਕੈਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ 7ਵਾਂ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾ ਅਲੀ ਦੀ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ ਗਿਣਵੈਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਲਕ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਢ 'ਤੇ ਬੋਝ ਰੱਖੋ, ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਸੀ ਜੋ ਬੋਝ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਉੱਠ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਬਹਾਇਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ,
मैं डाइजेस्ट मिंबर तो जिंदगी पढ़िया नहीं, नहीं शहीदा की दुआ नाल एक सत्तर वीर जी मैं आखन लगा उठा बजेंदे घोड़िया नाल सख्त ना उरियान पढ़ के शहीदा का दिल दुखाना नहीं। हाँ जी मकसूद आई तो वह आ गई एक उठ तू अली दियां नसल दियां बतूलां छंडदियां हन बाबा जी दूजे की वजह तो शहीद हो वैंदियां काफला रुकदा कोई ना दौड़ दे उठ दी कंड तो वजनी तौ के गर्दन फेर के ते सजाद हवा नूं हुक्म देंदे हन तेज चल पो सहरा दी मिट्टी उड़ा मेरे परदादार दा कफन ही बना ते कब्र ही बना जिन्हां दे कफन ते कब्रां रेत ते हवा बनाईयां कोई दसे उन्हां दे जंजीर कैं लाए हो सर। ए मजलस आई जिहड़ी मुकम्मल हो गई ए चांदा मजादार भी कट्ठे होवन माहौल भी बन जाए ते मैं इज्जत मुआब दे हवाले मेंबर करां बाबा जी इत्थे कोई खलफ मन्ने तो मैं कलमा पे पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह कलमे दी कसम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न वाले अलीयुन वलीयुल्लाह दी दुश्मनी च अली दे घर दी 108 परदादार त्रै मुल्कां दे जंगलां च रुला रुला के मार छोड़ी। सच्चे सच्चे बाबा जी 5 तो 7 मिनट तुहाडे कोलों मंगदा मैं अपने बजुर्गों का पढ़िया एक मौजू है उन्होंने 4 लफ्ज़ हैं तो मैं बड़ा प्यार है मैं बाबा जी वो 4 लफ्ज़ सुनान लगा पढ़ते हैं शाम दे जिंदान दा दरवाज़ा जंजीरां ते जख्मी पेशानी रख के ते सजाद अपना नुकसान बैठे गिणदे ने 5 मजलसां दा मजमून है जिदे चू एक मजलस का एक जुमला मैं पढ़न लगा भाईजान नुकसान गिणदे इमाम दे तौक नू चोरी साहब जिंदान दे एक सिपाही हरकत दिती इतना रोलिया ने मजलस हो गई वजनी लकड़ी होंगी है कई फौजी चाहते हैं साहब वो लकड़ी जो हिली ना तो गर्दन का जख्म दुखिया सैयद साजिदीन जंडीर के मुसले तो सजदा मुका के जख्मी पेशानी चाही तो फौजी नूं आखदे अगर मेरा ना ना है ना याद तो यह मेरे जंडीर वेख के मैं कैदी सद लव्या ये पहला लफ्ज बाबोरी पढ़ते मन बड़ा प्यार वो आ दिन जदा इस आख्या इन कैदी उठ सजा दा दिन होनी तो कैदी सद ले आई ये जख्म ना दुखाया पर मैं तंग करके तकलीफ दे के तुसी खुश होंदे हो दे लो तकलीफा जितनिया दे सकते हो मत मेरे बाद मेरे जी आ बेवारस कैदी वत शाम कोई ना आवे मैं करोड़ दफा बिस्मिल्ला करा कैदी तेरी पेशी है हाकिम दरबार बुला जाए प्यो पुत्र अगला जुमला बाबरी पढ़ते हैं हौजरिया साहब जी आते हैं छत्री शहरां च इकट्ठे रुल रुल के प्यो पुत्र च प्यार इतना वध गया एक उठी वे आ दूजा नाल उठींदा एक टुरे आ भलव ने दूजा नाल टुरदा ही इन्हें प्यो पुत्र प्यार की वजह तो जड़ा समझे और रोवे वधे हो प्यार की वजह तो इकट्ठे उठन तो कदी ना ही अख लगी जिंदा 40 गारे चू इो एक बच गया दरवाजे तो उठींदा डिठा ते आ लिया उथाऊ आखे सजाद इस वेले रात ते प्यो पुत्र किधे टुर पे हो अम्मा साड़ी पेशी है सजाद ढली हुई रात है ये केड़ा पेशी का वक्त है फरमाया वक्त ते पेशियां उन्हां दी होंदियां ने जिन्हां दा वतन होवे या जिन्हां दा कोई वारिस होवे ओदी मर्जी जिस वेले बुलावे सजाद फिर मैं नाल आसा नहीं अम्मा अज तुहाडी पेशी नहीं तुसी इत्थे ही रुको इमामत दा वादा है मैं जल्दी वल आसा लो जी 70 वसूल करो तिहाए दी तैयारी बीबी फरमाया सजाद जानदे हो ना मुद्दत हो गई है मैं भरा दे कातला इतना जगाया है मैं वीर दे कातला इतना रुलाया है मैं खड़ी हो के नमाज नहीं पढ़ सकती जी अम्मा नमाज बह के पढ़ दे फरमाया सजाद नमाज मैं बह के पढ़ दियाँ ते तैन पई दस दियाँ जितने तई तुसा वलना नहीं मैं दरवाजे च खड़ी रासा भावें सा मुक गए अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रूहानियत नाल इब्तदा होगी मजलस दी मैं खत्म करदा प्यो पुत्र इकट्ठे आए अज दरबार च यजीद बेगैरत यजीद शराबी ना होवे ते तहज्जुद गुजारी होवे वाती इस कुत्ते ते करोड़ दफा लानत है या अल्लाह रसूल दा कातल ते दुश्मन है ए बेगैरत दरबार च वधा टुरदे प्यो पुत्र ते निगाह पई इशारा समझो भाईजान इस एक फौजी नूं मतलब इशारा कीता है
ते एक सिपाही कुर्सी जाके नहीं आए अली गल ये आई शाम दे दरबार च कुर्सी जाके सजाद कोल रख के आ दे कैदी बहवन बंद बुजुर्ग पढ़ते होंगे कुर्सी ते निगाह पई ते फरमाया कुछ शर्म करो इस निजस जगह ते मैं कुर्सियां दे दे हो गई जिथे 9 घंटे पाबंद होके मेरिया मावा खड़िया रही हाथ नप के मैनू बहना दी आई सजाद मैं बहु थक पईया मैन घोड़िया नाल भजाया ने मेरिया तलिया जख्मी थईया बुजुर्गों की मदा खानी कैसे कैसे लोग कितने औखे मसाइब कितने अदब दे परदे च पढ़ते हैं ये सामने आ याद है छबांदे ना गल जल्दी करा बड़ा थको है तू नजीब उत्तरफैन शाहजादे सजाद तू बहु रुलिया है तेरे नानके ईरान दे बादशाह दाद के जहान दे बादशाह सजाद तुहान पता है माफ़ करना बाबा जी दिल दुखे मुर्शिद माफ़ करना ये आदे जंग बादशाह दे शुगल होंदे ने शाला जी हो पे करबला दी लड़ाई नू दो शाहजादियां दा शुगल समझ के भुल जा ते मैं माफी दे शुगल दा नाम आया गैरत दा परवरदिगार दरबार झण पे ते रो क्या दिन अली अकबर दी बरछी तेरा शुगल होसी कासिम दी गडड़ी तेरा शुगल होसी असगर दा तीर चाचे दे बाजू बाबे दा कटे होया सर पर बेगैरत हया कर मेरी माँ दा मुर्का मेरी बहन दा दाज मेरी मासूमा दे दौर वाह भाई वाह आफरीन मरहबा पर परदादारां दे जंगलां च बेकफन जनाजे ए तेरा शुगल आई अगर तू माफ़ी मंगनी है तो मैं कल्ला तू माफ़ नहीं करना अल्लाह रसूल अली बतूल मेरा चाचा हसन ते वड्डी वारिस बैठी है जिंदान च मैं पुछदा जे उन्हें आख्या तो मैं शाम च टुर पौसा एक सिपाही ने इशारा किया जरा सर बाबा जी उस तौक का कुंडा खोलिया मुद्दत बाद चौथे इमाम दा रकू मुकिया राजियां शबीर दी अम्मा राजी करबला तू लैके तलगंग वाले शाम तक कैद छुट्टन वाली रात तक 5 ते 6 सफर दी दरमियानी रात तक प्यो पुत्र इंज दी इबादत की है प्यो दा रकू नहीं मुकिया पुत्र दा कयाम नहीं मुकिया मुद्दत बाद अली जैनुल आबिदीन दा रुकू मुकिया ते प्यो पुत्र वखरे वखरे टुर पे जिंदान दे दर ते आलिया इंतजार च दो इमाम वखरे टुरदे वेख के बीबी जख्मी हाथ बुलंद करके जंजीरा आले हाथ उच्चे करके आदि अलहमदुलिल्ला रुली बहुआ मेहनत नु रंग लग पे मैं इमामत ते सादात दी नस्ल बचा ली मैं भजन वहन दे करीब आ गया राजी रसो हुक्म दी तामील हो गई हाजिरी हो गई एक बंद बोजरी है शाह जी ते तुहाडे अजीज दे हवाले तुहाडे हवाले मिंबर सजादा दे नम्मा माफ़ी मंगदा है ते कैदा छुड़ेंदा है अली जैनुल आबिदीन वक्त दी इमाम हो जे ओ माफ़ी मंगदा है तो ओ हर गया ते असी फाते जिहड़े फाते उन्हां नूं शर्तां मनवेंदे ने ए ए शर्तां होंदियां ने जिहड़े फाते एक हराम शर्त है वो आओ रे वो नामुमकिन काम ते शर्त लगी हो इहनूं हराम आखिया गया ये जड़ियाँ जिमें सुलह हुदैबिया दियाँ शर्तन जिमें सुलह इमाम हसन दियाँ शर्तन रसूल जादी पिया दिया मेरिया कुछ शर्तन मने सी मेरे मुतालबिन लिख दे सी तो मैं वैसा अल्लाह जिंदगी ते सेहत देवे साडे वड्डे भाई हाजी नासिर अब्बास रोत की बड़ा सोहना लफ्ज़ आदे हैं वो आदे होंदे हैं मौला दोबारा मिंबर दी बारगाह च लैन आई साहब आदे होंदे हैं बीबी आखे जे मेरे मुतालबे लिख के मने तो मैं शाम च टुर पौसा नहीं तो उन्होंने आख जिंदान नाल हुण मेरा मिजाज रल गया है जीवो पै आफरीन मरहबा जरकुम अल्लाह वो मुतालबे केड़े ने बीबी फरमाया अल करबला दी लुट दे वे खसूसन 12 बुरके दे वे शहदा दे सर ये आजादारी शुरू कित्थे कीती है बीबी बाकायदा मजलस बीबी आखे वखरा मकान शाम दियां औरतां ते मैं भिरा दी गुरबत पढ़नी है मैं जाकरा बन के दसना है हुसैन केड़ा मजलूम आई ये मुतालबे ते दो बड़े जरूरी हैं अजकल बड़ा शोर है ना भाई जान चादर चार दीवारी का तहफ्फुज़ होना चाहिए कयामत तक होंदा रासी कदा किसी की चादर का तहफ्फुज़ नू खतरा होया हर कोई आखसी हया करो चादर ते चार दीवारी का तहफ्फुज़ करींदे ये तहफ्फुज़ वक्त दे बेगैरत तू अली दी धी लिखवाए बीबी आके उन्हूं आख लिख दे अज दे बाद कोई कमीना किसी शरीफ दी धी का बुरका ना लुटे
उची हाय कर सको तो अगली गल अली दी थी एहसान कर गई औरत भावे मुजरमी होवे उनू जंजीर कोई ना पवावे। दूजी बारी मैं बिस्मिल्ला करा फजर दी अजान तो भी उन्होंने पहले ए हक ही जिमें अदा हो गया। शुक्र सोनी इब्तदा होगी मजलस दी शाम ताई रूहानियत नाल जिक्र सुन सो ते रज रोसो। दूजी बारी सजादा इन मुतालबे बाकी आखे सारे लिख देना लुट सारी ना दे सकदा इकट्ठी लुट वापस तां करा जे लुटण वाले किसे एक जगह दे हुंदे। सजाद तुहाडे घर नूं 70 मुल्कां दे फौजियां लुटिया जिहड़ी मौजूद है वह वापस करदा बाकी दी कीमत देना। त्राए महम्मद बशीर महारी बची हुई लुट सजाद जिंदान दे दरवाजे ते नहरुल मसाइब किताब है बाबा जी सईदां दी बहादुरियत शाह लजपाली दी इंतहा जदा कारबला चू जंजीर पाया ने जिम्मेदारी नाल सब तू आखिर ते अली दी थी फिजा दे हत्थां जंजीर पवाया ते लजपाली बाबा जी जदा शाम कैदा छुट्टियां सजाद अग्गा वध के फिजा दे जख्मी हाथ चुम के पहले जंजीर फिजा दे लहाए हाथ वाली कड़ी खोल के आदे नम्मा तुहाडे हाथ आजाद न ए मैं कपड़े दी गठड़ी बनावनी है वंजो ए दीवार नाल बैठी हुई दे जंजीर लहाओ इस गठड़ी च रख दे वंजो वड्डियां दो शाहजादियां दे जंजीर लथे। अगला नंबर गाजी शहनशाह दा हरम अगे एक 5 साल की सैयदजादी समझ जाओ तो जिंदगी दा रोवण इस बीबी दे जंजीर लवण लगे ते पता नहीं कितनी बार सजा जिंदा उन्हें जने भी अनुवाद उठे भी है न फिजा जंजीर लहे दिया दिए दो खुफियां दे जंजीर लथे नी सजा दे इंज नहीं रुना और ढेर क्यों पैरों दे ओ सजा दा दे नमाज दे जंजीर पे लहे दे ओ हे कौने फिजा दिए ए तेरे चाचे गाजी दी दिए अब्बास दा नाम आए सजादा दिन रोंदा ताहा कित्थों दा इंसाफ ए प्यो अब्बास होए दी कह दे आफरीन मरहबा जरुकम अल्लाह सतर की दुआ लमनी है कबर ही टुर गया बाबा जी पढ़ गए बाबे और पढ़ते होंगे आन ढेर तो बचिया कोई ना बीबिया बार आन गड्डी है जंजीर आए न सजाद एक बारी नहीं त्राए बारी जंजीर गिन के आदे न बचिया बार है जंजीर यारा क्यों है न फिजा पैर हाथ रख के आदि वखरी बैठी है असगर दी माँ ओ आदि मेरे जंजीर ना लहाओ सजाद आदे नम्मा क्यों मैं लहेंगी असगर दी माँ आदि कैदा छुटनिया ते मासूमा दी कबर ते वजदा है ओ कबर चुआक सी अम्मा तेरे जीदियां लह गए मैं कबर च मरहबा 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 अजरों को मलल्ला एक सतर वैन दी दे खतम जितना वादा कीता उतना पड़ी खलोता भाई जान इकट्ठी हो गई गठड़ी जंजीरां दी ते सजाद हां नाल लई पढ़िया लिखिया दा और ते मेरी मजलस च वकला बैठे पुछ लव्या एक सिपाही दरवाजे ते आ गया दे सजाद ये सारे जंजीर मेरे हवाले कर जेड़े जंजीर कैदियां नु पवाए वने नो हुकूमत दी मलकियत होदी है जंजीर मेंदे मैं दरवाजा खोला तू पर्दादार लेके टुर जा जंजीर आली गठड़ी हां नाल लाके सिपाही नु आदे यजीद नु आख ना कैदा छोड़े मेरी ने भुए सी जंजीर वाला सकदा ए जेवर ने ओ मेरिया मावां दे वो कोई गैर हाथ ला नहीं सकदा उते खून अली दिया अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ालिमीन व सैयालमुल्लज़ी।